हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का वीडियो देख के जरूर से अच्छे हो जाएंगे। मैं क्विकली रेडी हो रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रही हूँ मैं, पर मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना लूँ। वैसे तो मेरा डिफरेंट किस्म की वीडियो बनाने का प्लान था, पर मैंने कहा कि रेडी होते चिट चैट कर लेते थोड़ी सी। अगर आपने मेरी रिसेंट वीडियोज़ देखी हैं जिसमें हम लोग मैंने आपके साथ होम टूर शेयर किया है, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारा नया घर, उसका होम टूर मेरे नए घर का। एंड ऑल्सो आपको पता है कि हमने हमारा घर बेच दिया है एंड हमने नया घर खरीद लिया है। एंड बहुत सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि ये जो मेरा नया घर है कहाँ पे है, वही शेयर करने के लिए आज मैं आई हूँ। हम एक्चुअली हमारी लोकेशन चेंज करने वाले हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, बहुत सारे रीज़न्स हैं एक्चुअली, पर मेन ऐसे है कि एक दिन बैठे हुए मुझे और मेरे हस्बैंड को ख्याल आया क्यों नहीं हम चेंज करें। और वैसे तो मैं चेंज से डरती हूँ, बट दिस टाइम मुझे लगा कि अगर ये आइडिया हमारे दिल में आया है तो अच्छा है, हमें चेंज कर लेना चाहिए। एंड मैंने सोचा कि मुझे फ्लो के साथ जाना चाहिए, जो भी यू नो हमें साइन एंड सिम्टम्स मिल रहे हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। सो हम हमारा घर चेंज करने वाले हैं, हम हमारी प्रोविंस चेंज करने वाले हैं। सो जिस प्रोविंस में हम मूव करने वाले हैं वो है अल्बर्टा। अल्बर्टा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ये इसका नेगेटिव है, पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुझे अच्छी लग रही हैं। कौन से शहर में मूव करेंगे हम मूव करेंगे कैलगरी में। एंड ये जो हमारा चेंज होने वाला है, ट्रांजिशन होने वाली है, ये काफ़ी रोमांचक होगी क्योंकि जो अल्बर्टा ओंटारियो से अराउंड कैलगरी सिटी हमारी टोरंटो सिटी से अराउंड 3500 किलोमीटर दूर है, और हमने सोचा है कि ये जो सफ़र है हम ड्राइव करके तय करेंगे। क्योंकि अगर आप अपना जो घर का सामान है वो सेंड करते हैं किसी मूवर्स के थ्रू, तो आपको वो देते हैं मिनिमम 3 to 5 हफ्ते में, और एक महीना सामान के बिना रहना मुझे लग रहा सही नहीं है। तो मैंने और हस्बैंड ने प्लान किया है कि क्यों नहीं हम हमारा खुद का ट्रक लेके चलते हैं। सो कैलगरी में मूव करने के बहुत सारे रीजन्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि मेरे हस्बैंड रियल एस्टेट में है और कैलगरी वन ऑफ द मोस्ट बूमिंग सिटी होने वाली है फ्यूचर में, ऑलरेडी हो चुकी है। हम लोग कैलगरी आए थे जनवरी में, आपको पता होगा, तब हमने ये घर खरीद लिया था। एंड इसकी क्लोजिंग होने वाली है, इसकी क्लोजिंग हुई है 30 मई को। एंड यस, ऐसे ही हमारी ये ट्रांजिशन हुई है। हम मेरे और मेरे हस्बैंड को दोनों को माउंटेन्स बहुत अच्छी लगती हैं। हम कैलगरी पहले भी 2-3 आए हैं एंड माउंटेन्स को देख के इतना मज़ा आया। हम टोरंटो में जिस एरिया में रहते थे मिल्टन, वहाँ पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, उसी वजह से हमने वहाँ पे घर लिया था, पर वो बहुत पिद्दी थी। पर बहुत समय हम उन पार्क्स में स्पेंड करते थे जो माउंटेन्स पे थी, उनका नाम था कैल्सो रेटल स्नेक, बहुत मज़ेदार एरिया था, आपने मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में देखा होगा। और कैनेडा में सबसे ज़्यादा बड़ी माउंटेन्स एंड ब्यूटिफुल है अल्बर्टा, स्पेशली कैलगरी, बैंफ, जैस्पर। तो हमने सोचा कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है आपको उसी के पास रहना चाहिए। एंड सो इसीलिए हमने ये मूव करने का प्लान बनाया। पहले मैं सोच रही थी कि यार कैसे कर पाऊँगी मैं, लाइक ठंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पर फिर मुझे लगा कि अगर हमारे दिमाग में ये आइडिया है हमें फ्लो के साथ जाना चाहिए, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा क्विकली हो गई पता ही नहीं चला। जनवरी में हम आए थे यहाँ पे 7 के लिए, और तब कैलगरी की मार्केट जो रियल एस्टेट मार्केट थी बहुत ज़्यादा बिजी थी, लाइक कोई भी चीज़ आपको मिल नहीं रही थी। हम बहुत सारे बिल्डर्स के पास गए, सब कुछ सोल्ड आउट था, बहुत मुश्किल थी, और गंदे गंदे घर थे, और गंदा घर मैं बिल्कुल नहीं लेना चाहती थी। लाइक मुझे चाहिए कि जो घर मैं खरीदूँ या तो वो बिल्कुल मेरे मिल्टन जैसे घर जैसा हो या फिर उससे खूबसूरत हो, अदरवाइज़ मैं नहीं लूँगी। और हमारी चॉइस थी कि हम ब्रांड न्यू खरीदें, और लकीली उन 10 में हमें ये घर मिल गया और हमने ऑफ़र डाला, उन्होंने हमें चूज़ कर लिया, सारा कुछ बहुत ही ऑन द स्पॉट हो गया पूरा। सो मुझे लगा कि या जो भी ताकत हमें यहाँ पे लेके आना चाहती है हमें उसी के साथ चलना चाहिए। एंड यहाँ पे बहुत खूबसूरत माउंटेन्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ हमारे नए सफ़र के लिए। पर मैंने सोचा कि जल्दी से आपके साथ ये न्यूज़ शेयर कर दूँ ताकि मैं इंस्टाग्राम पे नॉर्मल मेरी वीडियोज़ को अपलोड कर पाऊँ, क्योंकि मैं पहले मेरी यूट्यूब वाली फैमिली को शेयर करना चाहती हूँ कि हम कहाँ पर हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ ये नए घर में वीडियोज़ बनाने के लिए, और जो भी हमने ये ट्रैवल टाइम में व्लॉग शूट किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोज़ ऑलरेडी शूट की, काफ़ी ज़्यादा मैंने फुटेज शूट की थी जब हम सफ़र में थे। सो या गाइस, कैलगरी इट इज़, आई होप कि ये घर हमें खुशियाँ दे एंड बहुत सारी वीडियोज़ बनाऊँ मैं यहाँ पे।
एंड या दैट्स इट. आई होप आपको ये अपडेट वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छा लगा होगा कि हम कैलगरी में हैं. मुझे बताना अपने विचार, आपके क्या विचार हैं कमेंट बार में प्लीज़ छोड़ सकते हैं. मेकअप किया नहीं मैंने, मैंने सोचा था कि चिट चैट वीडियो बनाती हूँ, पर एक चीज़ दो चीज़ें मेरे से एक साथ नहीं होती है, लाइक मैं या गला कर सकती हूँ या मेकअप कर सकती हूँ. सो या दोस्तों मैं आपको मिलूंगी जल्दी ही नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. वी गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें बताना चाहती थी आपको, पर ये बहुत ही क्विकली वीडियो बना रही हूँ. मुझे लगता है मैं बहुत चीज़ें मिस कर दूंगी, बट कोई चिंता की बात नहीं है, मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी जब हम ट्रैवल करेंगे टोरंटो टू कैलगरी बाय रोड. ओके बाय.